कश्मीर जम्मू ए आलम खान हकला तो खबर सुनो। पर जोर दितो है या गल उन्होंने अमेरिका का हाउस्टन का एनआरजी मैदान में 50,000 अमेरिका ते भारत का लोका नाल तारीखी हाउडी मोदी रैली के दौरान कही, जित अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खसूसी दोस्त का तौर पर मौजूद था। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है जे वेलो आगे हुआ जे मिलिटेंसी को खात्म कियो जाए, किसी मुल्क को ना लिया बगैर उन्होंने कहा जे या गल पूरी दुनिया ना पता हुआ जे मिलिटेंसी ना पनाह और बादो कौन दे रहे है। जनाब मोदी ने कहा जे सदर ट्रंप मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई में पूरा तावन देने वास्ते तैयार है। जनाब मोदी ने कहा जे भारत का दफा 370 हटाने का फैसला ते उन लोगों ने तकलीफ पूजी है जेड़ा आप अपनो मुल्क नहीं संभाल पा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा जे भारत अमरीका की दोस्ती ने एक नवी तारीख रकम की है। वजीर आजम ने कहा जे नवा भारत में सिर्फ तब्दीली ही नहीं आई है बल्कि ललकारों को सामना करता मां भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की मैशियत हासिल करने आला पासे गामजन है। तकरीब संग खिताब करता मत सदर ट्रंप ने कहा जे वे इस्लामिक मिलिटेंसी का खात्मा वास्ते कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जे सरहदी हिफाजत भारत ते अमरीका दोहां वास्ते जरूरी है। जनाब ट्रंप ने इस दौरान ऐलान किया जे पहली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज नवंबर में मुनक्कद होगी। तकरीब तो बाद जनाब मोदी ने गुजराती समाज ह्यूस्टन तकरीब मरकज और ह्यूस्टन में श्री सिद्धि विनायक मंदिर को भी इफ्तिताह किया। अपना ह्यूस्टन का तारीखी दौरा तो बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीका दौरा का दूजा मरहला में न्यूयॉर्क पुज गए हैं। वे इकवामे मुतहदा जनरल असेंबली का 74वां इजलास संग खिताब करेंगा, नाले मुश्तरका और दो तरफा मुलाकात में भी हिस्सा लेंगा। जनाब मोदी इकवामे मुतहदा सदर दफ्तर में क्लाइमेट एक्शन इजलास में भी हिस्सा लेंगा, नाले एक आला सतह की मीटिंग संग भी खिताब करेंगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर में गांधी सोलर पार्क ते गांधी पीस गार्डन को भी इफ्तिताह करेंगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा जे कश्मीर में दफा 370 रखनो कांग्रेस वास्ते एक सियासी मसलो थो और मोदी सरकार वास्ते यो मसलो कौमी मफाद को मसलो थो। या गल उन्होंने मुंबई में जम्मू कश्मीर ते मरकजी सरकार के तरफों दफा 370 हटान पर खसूसी लेक्चर देता मां कही। वजीर दाखिला ने कहा जे दफा 370 ते 35A हटानो भारत की एकता वास्ते एक बड़ो कदम है। जनाब शाह ने कहा जे जद तू दफा 370 वजूद में आई है तद तू 40,000 लोगों ने अपनी जान गवाई है जेडी उनकी पार्टी वास्ते एक बड़ी फिक्रमंदी आली गल थी। वजीर मौसूफ ने कहा जे दफा 370 ते जम्मू कश्मीर ना कुछ हासिल नहीं हुआ बल्कि इसने सिर्फ कश्मीर में रिश्वतखोरी दहशतगर्दी और समाज मुखालिफ सरगर्मियां ना बादो दितो है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया हुआ जे पाकिस्तान नाल गलबात सिर्फ पाकिस्तान का कब्जा आला कश्मीर वर ही वेगी। गुज़श्ता रोज पटना में जन जागरण सभा संघ खिताब करता में जनाब सिंह ने कहा जे जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की अहम वजह दफा 370 ते 35A थी ते ये दफा रियासत की तरक्की वास्ते हटाई गई है। उन्होंने पाकिस्तान पर सवाल चाहता मैं क्यों जे भारत का इस मसला पर पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को दरवाजों खटखटायो और किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को इस मसला पर साथ नहीं दितो। वजीर दिफा ने क्यों जे पाकिस्तान को कश्मीर पर कोई हक नहीं है। जनाब सिंह ने क्यों जे पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर आवे और उतगा लोका ना कहें जे वे भारत पाक सरहद आला पासे ना जावे। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स KZF का एक मिलिटेंट मॉड्यूल को पर्दोफाश की हुए है जिसना पाकिस्तान ते जर्मनी का दहशतगर्द ग्रुपों की तरफों मदद दी जा रही थी जेड़ा पंजाब ते इसकी कोलकाल की रियासत में मिलिटेंट कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश में था। सरकारी जरिया का तर्जुमान के मुताबिक पंजाब पुलिस ने गुज़श्ता रात दहशतगर्द मॉड्यूल का 4 मेम्बराना जिला तरन तारा का ग्रां छोला साहब ते गिरफ्तार किया। तर्जमान मौसूफ ने दस्यो जे पुलिस ने बड़ी मकदार में हथियार गोली सिक्को ते जाली करंसी भी बरामद की है। DGP दिनकार गुप्ता के मुताबिक ये हथियार भारत पाक सरहद पर पाकिस्तान के तरफों हाल ही में मशकूक तौर पर ड्रोना के जरिए भेजा गया था। जिला इंतजामिया रामबन की तरफों गुज़श्ता रोज सियाहती मकाम सनासर में सफाई सुथराई बारे एक बेदारी कैंप को इनाकाद कियो गयो जिसमें लोका ना एक बार इस्तेमाल होने आले प्लास्टिक पर पाबंदी बारे दस्यो गयो। इस मुहिम के दौरान सनासर ने बड़ी मकदार में प्लास्टिक कूड़ो करकट जिसमें मोमी लिफाफा प्लास्टिक की बोतल वगैरह इकट्ठी की गई। हुकाम की तरफों इस दौरान बख बख स्कूलों का 400 तालिब इल्माना सफाई सुथराई रखने बारे हलफ भी दवाया गया। स्वच्छता ही सेवा की इस मुहिम में बख बख महकमा का ओहदेदारा ने भी हिस्सा लियो। इसके नाल ही खबरों को यो बुलेटिन मुक गया।